नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेथानी चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से जहां हम नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर बढ़ते हैं पहली खबर पे जहां मकर संक्रांति पर देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली पीएम मोदी ने आठवें वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी जिस दौरान पीएम ने पिछहत्तरवे सेना दिवस के मौके पर संदेश भी दिया उन्होंने देश के सैनिकों को लेकर कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान और भारतीय सेना का शौर्य पूर्णीय है पीएम ने सैनिकों को और पूर्व सैनिकों के परिवारों को सेना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं को मकर संक्रांति पोंगल उत्तरायण की शुभकामनाएं वहीं नेपाल के पोखरा के पास एक यात्री विमान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है इस में अड़सठ यात्री सवार थे हादसे की जानकारी पाकर रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंची जहां हादसे के बाद से अब तक चालीस शव बरामद किए गए बता दें कि यात्री विमान राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहे थे जहां जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी वहीं पिछहत्तर सीटर सेवेंटी 72 विमान में अड़सठ यात्री और चार क्रू मेंबर्स यानी कि कुल बहत्तर लोग सवार थे विमान पोखरा के पास ही पहुंचा था कि एक पर्वतीय क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया नेपाली मीडिया के मुताबिक दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई है जहां पोस्ट के मुताबिक यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला ने बताया है कि विमान में अड़सठ यात्री सवार थे बताया जा रहा है कि हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है तो वही कोरोना को लेकर विश्व भर की चिंता अब बढ़ने लगी है इसी के बीच चीन से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें चीन के चीन ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों की घोषणा की, की है जिसमें बीते एक महीने में देश में साठ हजार मौतों की पुष्टि की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के इन आंकड़ों पर विचार करते हुए कोरोना की शुरुआत को लेकर चीन से सहयोग करने की बात कही है बता दें बीते कई महीनों में से चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया गया है जिसके बाद से मामलों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है देश में थल सेना दिवस आज मनाया जा रहा है इस बार पहली दफा दिल्ली के बाहर बेंगलोर में परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस मौके पर जनरल मनोज पांडे बेंगलोर के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया जहां सेना प्रमुख ने कहा की पहली बार आर्मी डे परेड और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं इससे सेना को लोगों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया गया है मुझे विश्वास है कि इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, की बात कही उनका जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आज गरीब असहाय और जरूरतमंदों की मदद करके जन कल्याण दिवस मना रहे हैं इस दौरान मायावती ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा साथ ही उन्होंने अपने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए बड़ा ऐलान किया है जमाएवती ने कहा की अगले सभी चुनाव उनकी पार्टी गठबंधन के साथ के बिना अकेले ही जीतेगी अभी के बुलेटिन के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रेन पे